हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, आज आपके पास देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे। हमारा चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे बेटा? देखो, सेवंथ क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। सब बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब चलते हैं और आगे, सेवंथ के आगे। सेवंथ के आगे मतलब क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर एट में, ये देखिए आपके पास है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर एट। बेटा ये क्वेश्चन नंबर एट अगर आप देखें तो ये जनवरी 21 में आया हुआ है। जनवरी 21, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करना है अब हमें, और आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर एट, मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस। मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस, सब बच्चे इधर देखो। वो कहते हैं जोशीज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 डिड नॉट एग्री। लो जी, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, द डिफरेंस वॉज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। ये लो जी, ये लो, इधर देखो, इधर देखो, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। इसका मतलब आपने एरर को रेक्टिफाई कब करना है? नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब आपको कुछ एरर्स बता रखी हैं, कह रहे हैं ये एरर्स हैं। अब आप सबके पास देखो बेटा, क्वेश्चन तो आप सबने देख लिया, क्वेश्चन तो आप सबके पास आ गया। ये अब इस क्वेश्चन को ये देखो, इधर देख लो, ये है क्वेश्चन आपका जनवरी 21, 10 मार्क्स। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। चलो, अब सबसे पहले एट्थ क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर एट, और मैं ईयर लिख देता हूं जिससे आप लोगों को भी आसानी रहे। जनवरी 2021, जनवरी 2021, और ये बेटा 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अच्छा, ये लो, रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम ईयर, रेक्टिफिकेशन एंट्री नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये लो जी, ये आपके पास टोटल हमारे पास आ गया, ये टोटल हिसाब किताब। अब करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट ईयर। वो कहता है द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज 5615, 5615 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज ऑन 6551। अब एक काम करो, आप इनका डिफरेंस निकालो, पहले डिफरेंस निकालो, फिर बताता हूं बेटा, बताता हूं। निकालो तो सही, डिफरेंस तो निकालो। डिफरेंस 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 आ रहा है 6551 माइनस 5615। ये मेरे पास डिफरेंस आ गया 936 का। ये आ रहा है आप लोगों का भी, वेरी गुड। 936 का ये जो डिफरेंस है, 936 का ये जो डिफरेंस है सर, हाँ, इसका क्या करना है? ये आप ध्यान से देखें, ये अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है? 5615 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेजेस 6551, इसका मतलब ओवर कास्ट, नेक्स्ट पेज पे ले जाते समय इसका टोटल ज्यादा लगा दिया। तो अब क्या करोगे? देखो, इसके इसके अंदर आप ओवरकास्ट का मतलब समझें, आप डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर मैं सेम ईयर में करूं तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट को। अरे परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तुमने ज्यादा डेबिट कर दिया तो अब रेक्टिफाई कैसे करोगे? क्रेडिट कर दो, बात खत्म। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एंट्री कितने से होगी? 936 से। 936 से मैंने ये एंट्री पास कर दी, 936। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट, अब यही रेक्टिफिकेशन एंट्री नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस को तो आप डेबिट ही करोगे, लेकिन हाँ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट
936। और क्रेडिट किसे करोगे? क्रेडिट करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 936, क्योंकि आप इस रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट कब ले रहे हैं? नेक्स्ट ईयर के अंदर ले रहे हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से ही एडजस्ट करोगे। पॉइंट नंबर टू में अब आप देखो, जल्दी से पढ़ो मेरे साथ साथ। अ सेल ऑफ रुपीज 281 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 821 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इसको पढ़ना कहां तक है? वो कहता है क्रेडिट सेल ऑफ 281 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब आप बताइए 281 की अगर आपने सेल की एंट्री की होती, अगर करेक्ट एंट्री की बात करूं मैं, क्या एंट्री होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपके पास एंट्री हो गई 281 से। 281 ये मेरे पास करेक्ट एंट्री, लेकिन उसने क्या किया, पोस्टिंग के अंदर गलती कर दी बेटा। पोस्टिंग में मिस्टेक क्या करी है आप ध्यान से देखो, क्या उसने सेल्स बुक में लिखने में गलती की है? वो क्या कह रहा है, सेल ऑफ 281 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक इज 821। यस, उसने सेल्स बुक में पहली तो लिखने में गलती कर दी, लिखने में गलती करी तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कितना किया होगा उसने? 821। यस, एंड पोस्टेड टू द कस्टमर अकाउंट। और फिर पता क्या किया, एक गलती और कर दी, कस्टमर के अकाउंट को और क्रेडिट कर दिया। अरे भाई सेल्स बुक में लिखा 821 है तो पोस्ट भी कितना किया होगा? 821, लेकिन 821 डेबिट कर देता तो भी चलो बात सही थी, इसने तो लेके कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये किया है। अब आप सब बच्चे इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, क्या ऐसी एंट्री करने से ट्रायल टैली हो जाएगा? ट्रायल तो टैली नहीं होगा, तो ट्रायल टैली नहीं होगा तो आप इस केस के अंदर किसको डेबिट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। मेरा यहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया कितने रुपए से? सर इन दोनों का टोटल लगा लो 1642, ये आपके पास अमाउंट आ गया। अब सर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करें? तो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए अब आप सस्पेंस अकाउंट को तो क्रेडिट कर दो टू सस्पेंस अकाउंट 1642, और आप क्या करो, डेटर्स को डेबिट करो, डेटर्स डेबिट 281 होना ही चाहिए था, होना चाहिए था ना, प्लस 821 कर लो जरा टोटल, ये लो मैं एक साथ ही लिख देता हूं 281 डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये लो टोटल लगाओ, ये आता है 281 प्लस 821, ये हो गया 1102, 1102 रुपए से डेटर्स के अकाउंट को डेबिट करो। और सेल्स, सेल्स का अकाउंट बताओ कितने रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था? 281 से, और क्रेडिट कितने से हुआ है? 821 से, तो बाकी का अमाउंट डेबिट करो, तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट करो, कितने से आ जाएगा? इसका डिफरेंस निकालो, ये आ रहा है 540, ये लो जी 540, डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, समझ में आया? अब इसे हमें तो लेकिन नेक्स्ट ईयर में चलना है, चिंता नहीं करो नेक्स्ट ईयर पे भी पहुंच रहे हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अगर नेक्स्ट ईयर में इस एरर को सही करना हो तो डेटर तो डेटर से ही सही होगा, तो 1102। सेल्स की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 540 और टू सस्पेंस अकाउंट 1642, ये है पॉइंट नंबर थर्ड। अ रिटर्न टू क्रेडिटर 295 वाज एंटर्ड इन द पर्ची रिटर्न इनवर्ड बुक, However, the creditor's account was correctly posted. वो कह रहे रिटर्न टू क्रेडिटर 295, बेटा मेरे साथ साथ चलना, बस इतना ही पढ़ना है, रिटर्न टू क्रेडिटर 295, आगे की बात छोड़ो। रिटर्न टू क्रेडिटर 295 का मतलब हो सकता है ये परचेज रिटर्न हो गई। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से चलो मेरे साथ साथ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आप इस समय पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं आप, और मैं मानते हुए चल रहा हूँ आप पूरा का पूरा चैप्टर तो रिवाइज कर ही चुके हैं, सिर्फ मेरे साथ एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होती है, ये एंट्री होगी 295 से।
अब जरा बात करते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट रिटर्न टू क्रेडिट 295 वाज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। इसको गलती से उन्होंने किस बुक में लिख लिया, वो कह रहे हैं रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न बुक में। अरे भाई सेल्स रिटर्न बुक में लिखोगे तो सेल्स बुक सेल रिटर्न बुक जैसा ही प्रोसेस करोगे, लेकिन उसने कहा हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट ही किया। इसका मतलब उसने सेल्स रिटर्न को भी डेबिट किया, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, कितने से डेबिट किया है 295, सेल्स रिटर्न को तो डेबिट किया और साथ में उसने क्रेडिटर के अकाउंट को भी डेबिट ही कर दिया। ये लो जी क्रेडिटर्स अकाउंट, ये भी डेबिट हो गया 295 से। अब ऐसा हुआ है, अब बताओ ट्रायल टैली हो जाएगा, नहीं होगा ना, इसका डबल का डिफरेंस हो गया मतलब 590 का। तो ये 590 रुपए से सस्पेंस अकाउंट 590 रुपए से क्रेडिट हो गया, 590 रुपए से मैंने क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आई? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें अब रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। सब बच्चे देखें क्या करोगे, अगर सेम ईयर में रेक्टिफिकेशन करते तो आप कहते सर सस्पेंस अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे 590 से, और सेल्स रिटर्न अकाउंट वो एवे ही क्रेडिट डेबिट हो चुका है, एवे ही मतलब यूं ही गलती से, इसको अब आप क्रेडिट करो। फिर इसके बाद और क्या करोगे, आप कहोगे सर परचेज रिटर्न देख लो क्रेडिट होना चाहिए, अब कर दो परचेज रिटर्न डेबिट क्रेडिट 295। तो ये आपके पास रेक्टिफिकेशन एंट्री आ गई। लेकिन अब यही रेक्टिफिकेशन अगर नेक्स्ट ईयर में करनी हो तो नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या करोगे, ये जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट है इसकी जगह आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करोगे, तो आपकी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 590, और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों नॉमिनल है, इनकी जगह क्या बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 590। बात खत्म नहीं, क्वेश्चन नहीं खत्म, बात खत्म मतलब ये कि ये ट्रांजेक्शन हो गई ओवर, चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। पढ़ भी लिया आपने, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ ली, अरे वाह वेरी गुड, ये हुई बात। तो इसमें करी भी है एंट्री, कर ली, चलो चेक करना एंट्री अगर कर ली है तो। कैश रिसीव फ्रॉम सेनू 895, कैश रिसीव फ्रॉम सेनू। अरे भाई इंस्टीट्यूट के दिए हुए नाम है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें, सेनू 895 सेनू। फिर सर ये एंट्री तो चलो बात समझ में आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेनू वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेतु। ओहो नाम भी कुछ उसमें गलत कर दिए ना, तो एक बार बताओ कैश रिसीव हुआ था तो कैश को तो पोस्टिंग में मिस्टेक करी है इसने, कैश को तो पहले आप डेबिट कर दो, रिकॉर्डिंग में कोई मिस्टेक नहीं की है, सुनो जरा रिकॉर्डिंग में मिस्टेक नहीं हुई है तो आप क्या करोगे, कैश को तो डेबिट ही करो, कैश डेबिट हो गया 895 से। अब उसने क्या कर दिया, सेतु को भी डेबिट कर दिया, सेतु 895, अब क्रेडिट करना चाहिए था उसको भी डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब डिफरेंस डबल का हो गया। तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करो, सस्पेंस अकाउंट कितने से हो गया ये 1790, अब बस अब आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1790 टू सेतु 895, और ये तो गलती से डेबिट कर दिया, और किसको, सेनू को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो 895 से। सर नेक्स्ट ईयर में, अरे नेक्स्ट ईयर में सेम एंट्री पता है क्यों, नॉमिनल नेचर का अकाउंट तो है नहीं, अगर नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है तो आपने सेम अकाउंट को इसको नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट को सही करना है, तो आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री का ये कंसेप्ट चलेगा। अब आप चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, पॉइंट नंबर फाइव,
पॉइंट नंबर फाइव, तो पॉइंट नंबर फाइव में गुड्स वर्थ रुपीज 1400 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। कुछ समझ में भी आया? वो कह रहा है गुड्स 1400 रुपए के थे, कस्टमर को हमने भेज दिए बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। तो इसका मतलब आपके पास करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कस्टमर टू सेल्स, करेक्ट एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए 1400 रुपए से। सर क्या ये एंट्री उसने की है? क्या ये एंट्री की? नहीं भाई, नो एंट्री, नो एंट्री। सर कैसे नो एंट्री? वो कहता है बट नो इनवाइस वाज मेड आउट, कोई इनवाइस तो बना नहीं, तो ठीक है उस केस के अंदर क्या हो गई? नो एंट्री हो गई। लेकिन अब इसके बाद सर अगर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करें तो कस्टमर अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स का अकाउंट इसमें क्रेडिट हो जाएगा अगर मैं सेम ईयर में इस एरर को रेक्टिफाई कर रहा हूँ। लेकिन अब यही एरर को अगर मैं नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करूंगा तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा, कस्टमर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आप जानते हैं सेल्स की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट खुल जाएगा। चले ये आती है आपके पास पॉइंट नंबर फाइव के बाद, देखो पॉइंट नंबर सिक्स। चलो अब गुड्स वर्थ रुपीज 1600 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। सेल और रिटर्न बेसिस कुछ याद है ना, सेल और रिटर्न बेसिस पे चैप्टर पढ़ रखा है आपने। तो सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स भेजे गए एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर। आप गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे भेजते हो तो सेल की एंट्री तब होगी ना जब अप्रूवल आ जाए। अब ईयर एंड पे तो अप्रूवल पेंडिंग है और उसने सेल्स बुक में इसकी एंट्री कर ली अकाउंटेंट ने, इसका मतलब उसने तो इसकी एंट्री एक्चुअल में रिकॉर्ड कर ही ली। और सेल्स की एंट्री द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन द सेल, और इस पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 20% ऑन सेल है। 20% ऑन सेल का मतलब 1600 रुपए के है ना, 1600 का 20% निकालो तो 320 रुपए का हो गया। तो 320 रुपए इसमें से माइनस करो तो गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 1280 रुपए हो गई। ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात, समझ में आया? 1600 रुपए की सेल वैल्यू के गुड्स रिटर्न हो गए, सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजे थे। अब उसके लिए एंट्री क्या करें? देखो करेक्ट एंट्री में तो कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए। अगर आप कहें एज पर द लॉ इसकी एंट्री क्या करेंगे तो आपको इसकी एंट्री करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे भेजे गए। बट एक्चुअल में एंट्री क्या कर ली? डेटर टू सेल। अब सर हम क्या करें? रेक्टिफिकेशन ही करा दूं डायरेक्ट? अब तो समझ में आ रही होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री आप पास करो कितने रुपए से? 1600। ये लो जी 1600 रुपए से ये एंट्री पास हो गई। लेकिन इसके साथ साथ आपको स्टॉक विद कस्टमर का अकाउंट भी तो दिखाना पड़ेगा। ये स्टॉक भी तो है, आप ही का स्टॉक है, तो इसको आप ईयर एंड पे बुक्स में दिखाओ कि स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट करो और ट्रेडिंग को क्रेडिट करो। तो स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करो किसको? ट्रेडिंग अकाउंट को। ये तो सेम ईयर में अगर तुम रेक्टिफाई करो, और कितने से होगी कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर? 1600 रुपए सेलिंग प्राइस है, सेल वैल्यू है, इसमें से 320 रुपए 20% का प्रॉफिट मार्जिन कम करो तो 320 रुपए जब माइनस करोगे तो कितना रह गया? 1280 रुपए। तो ये आप 1280 रुपए से कर दो और यही एंट्री, सेम एंट्री। अब अगर मैं रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में करूं तो खुद बना सकते हो कोई एंट्री? बना सकते हो? कर सकते हो? नहीं। क्या होगी एंट्री? इन दोनों की कंबाइंड कर दो, भले ही कंबाइंड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर सेल्स और ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों नॉमिनल है तो इनका नेट डिफरेंस कितना आ गया? नेट डिफरेंस ये लो, इन दोनों की नेट एंट्री कर दो। नेट एंट्री करा रहा हूं मैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 320 रुपए से। अरे 1600 रुपए से डेबिट है, 1280 से ट्रेडिंग क्रेडिट है, इसलिए 320 रुपए से। सर स्टॉक विद कस्टमर को डेबिट करें या नहीं करें? करो। स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से? 1280 रुपए से। और क्रेडिट किसको करोगे? डेटर्स के अकाउंट को। अब आप क्रेडिट कर दो, ये लो जी 1600 रुपए से डेटर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये आपके पास रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉइंट नंबर सिक्स कंप्लीट। और आगे चलो, पॉइंट नंबर सिक्स के बाद है पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर सेवन। और बेटा सारे पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड होने जा रहे हैं। चलो और देखो अब इसमें
पॉइंट नंबर सेवन में देखो, 600 ड्यू फ्रॉम क्यू, सेवन पॉइंट, और वो कहता है ओमिटेड टू बी टेकन, ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। तो कोई बात नहीं, अब डेबिट में अगर आपने उसको नहीं दिखाया है तो आपके पास अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया होगा गलती से, अरे डेटर्स जो है, डेटर क्यू जो है वो डेटर है, और आप डेटर को डेटर नहीं दिखाओगे ट्रायल बैलेंस में, क्या होगा सर? डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया। तो अब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। क्या एंट्री करोगे? क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने यहां पर एंट्री कर दी क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए हैं इसका अमाउंट देखो, चेक करो, 1600 रुपए, ये है 600 रुपए। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं, जनवरी 21 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का, जनवरी 21, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब चलो नेक्स्ट, अब इसको नेक्स्ट ईयर में अगर मुझे सही करना हो, अरे सेम एंट्री हो जाएगी, इसमें कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट नहीं है ना, तो सेम एंट्री। चलो अब सेवंथ के बाद लास्ट एडजस्टमेंट इसकी, एट्थ एडजस्टमेंट। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब आर को अगर आपने सेल की है, पहले एंट्री बोलो, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होगी ₹3000 से, आपने उधार में माल बेचा है ना, इसलिए आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। चलो अब देखो और आगे, इसमें आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वो कहता है ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब यहां हो गई नो एंट्री, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री आर टू सेल्स, कितने रुपए से? ₹3000 से यही एंट्री हो जाएगी, और नेक्स्ट ईयर में आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लो जी कंप्लीट हो गया, आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आपको वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर्स, वो हमने रेक्टिफाई तो कर दी इन अ वे सो एज टू शो द करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। तो करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस करेक्टली का मतलब ये हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बना के दिखा रहा हूं, इसमें कैसे बनेगा, पोस्टिंग ही होगी बस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। देखो सबसे पहले अब यहां से पोस्टिंग करनी है ना आपने, अब ध्यान रखो भाई, ऊपर से अब आप पोस्टिंग करते हुए लेकर के आओ, किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? चलो देखो अब बस में हमारे पास सबसे पहले पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में आप क्रेडिट करो बाय सस्पेंस 936, ₹936। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट पीएनएल एडजस्टमेंट में ₹540 डेबिट करो टू सस्पेंस, सेकंड का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा इसका? ₹540, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो इसी में, नेक्स्ट में आपके पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में फिर पोस्टिंग करो बाय सस्पेंस के नाम से, और अमाउंट कितना आ गया इसका? ₹590। तीन एंट्री हो गई, फोर्थ में आप देखो पीएनएल एडजस्टमेंट यूज ही नहीं हुआ, फिफ्थ में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ 1400 से, तो बाय कस्टमर के नाम से, बाय कस्टमर
1400, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया कितने रुपए से, 320 रुपए। तो टू डेटर्स के नाम से पोस्ट करो 320, टू डेटर्स 320 रुपए। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो 320। अब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फिर क्रेडिट हुआ है बाय आर के नाम से, थ्री थाउजेंड। बस खत्म, अब तो कर लो इसका टोटल और निकाल दो इसका जो भी कुछ डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये आप सब लोग जानते हैं। तो यहां पर आप जरा टोटल लगाओ, 936 प्लस 590 प्लस 1400 प्लस 3000, तो 5926, 5926। इसमें से आप माइनस करो 540 एंड 320, तो ये आ गया 5066। इसको पोस्ट कर दो टू कैपिटल के नाम से, टू कैपिटल अकाउंट। ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर है, बात खत्म। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ जी चलो चलो जल्दी चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये लो जी आपके सामने आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 9, जुलाई 2021 में आया ये क्वेश्चन, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जुलाई 21 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। पढ़ो पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन के अंदर चलो मैं ही पढ़ाता हूं फटाफट से। मिस्टर रतन वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। अब आप ये जो एरर को सही करने जा रहे हैं बेटा, सब बच्चे इधर देखो, कब करने जा रहे हो, इधर देखो इधर देखो, ये देखो नेक्स्ट ईयर में, फिर दोबारा नेक्स्ट ईयर में। हाँ इसमें भी आपको नेक्स्ट ईयर में एरर को सही करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 21 में 10 मार्क्स का। अब आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो गया है, आगे चलते हैं फटाफट से इसके अंदर इसे सॉल्व करते हैं। इसको सर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये लो जी क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, और ये क्वेश्चन है हमारे पास जुलाई 21 2021, और ये भी बेटा 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। चलो अब आपके पास क्वेश्चन सबके पास अवेलेबल है, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। सर इसमें भी हमें करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री ये सब करनी है। यस सेम ईयर, और फिर इसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री नेक्स्ट ईयर। लेकिन जरा जल्दी से चले आप ट्रांजेक्शन नंबर 1, वो कहता है द टोटल, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 जुलाई 21 में। फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 30,000। अच्छा, और मिस्टर रतन चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। देखो स्कूटर अगर खरीदा है तो मोटर व्हीकल टू कैश, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आप देखें, ये एंट्री कितने से होगी, 30,000 से। ये लो जी 30,000 से एंट्री हो गई, लेकिन इसके साथ साथ एक एंट्री और भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ एंट्री कौन सी होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। भाई 10% का आपको लिख तो रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो मिस्टर रतन चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर। अब जब आप एसेट को एसेट मानोगे तो 10% डेप्रिसिएशन भी लगा करके इसका मतलब 3,000 का डेप्रिसिएशन भी लगाओ। ये है एक
करेक्ट प्रोसीजर जो अकाउंटेंट को फॉलो करना चाहिए, बट सर अकाउंटेंट ने क्या किया? अब पढ़ते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया। वो कहता है परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। लो जी ये हुआ, अकाउंटेंट ने सीधा उठा करके कन्वेंस में डेबिट कर दिया। जनाब ने इसको कन्वेंस अकाउंट, इसको कहां ले गए? कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री कर दी। ठीक है, अब आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करो। ये लो जी रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये आपके पास रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट, और अब आप इसमें करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। अच्छा सेम ईयर, ये लो जी सेम ईयर वाला भी करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट ईयर वाला भी करा देता हूँ, हमें तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चंस की, वैसे एग्जाम में नेक्स्ट ईयर ही मांगा है। चलो खैर आप बताओ, अब आप भी तो करो अपनी कॉपी पे कुछ तो कोशिश करो। कर ली, कोशिश कर ली तो वेरी गुड, कर ली है तो बताओ, देखो चेक कर लो। अच्छा क्या करोगे अब सर? अगर मान लो सेम ईयर के अंदर हम इस एरर को सही करते तो मैं तो मोटर व्हीकल को सीधा डेबिट करता, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 27,000। पता है 27 क्यों? देखो तुमने 30 से डेबिट किया, 3 से क्रेडिट किया, तो नेट 27 से डेबिट कर दो। आप कह रहे हो करेक्टली ये होना चाहिए था, मोटर व्हीकल 30 से डेबिट भी होनी चाहिए और आपकी मोटर व्हीकल जो है उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा 3,000 का, तो 27 से नेट डेबिट कर दो, हो गया। इसके अलावा डेप्रिसिएशन को भी आप डेबिट करते हैं, डेप्रिसिएशन 3,000 से, और ये जो कन्वेंस को गलती से तुमने डेबिट कर दिया इसे क्रेडिट करते, कन्वेंस 30,000 रुपए से क्रेडिट। अब सर नेक्स्ट ईयर में अगर इस एरर को सही करना हो तो कर लो नेक्स्ट ईयर में, कर लो ये लो रेक्टिफिकेशन एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर की रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे? सर मोटर व्हीकल को तो हम डेबिट कर देंगे, मोटर व्हीकल डेबिट 27,000, और क्रेडिट किसे करोगे? सर क्रेडिट के अंदर है ना 3,000 से डेप्रिसिएशन डेबिट भी है और 30,000 से कन्वेंस क्रेडिट भी है, और दोनों नॉमिनल नेचर के अकाउंट है, तो दोनों को नेट सेट ऑफ कर दो, और दोनों को नेट सेट ऑफ करके हमारे पास 27,000 रुपए क्रेडिट आ रहे हैं, तो 27,000 रुपए आप क्रेडिट कर दो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हो गई एंट्री सही? ये काम करना था आपने इसको। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो, सब बच्चे पढ़े। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 1,00,000। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है, इसका मतलब परचेज को ज्यादा डेबिट कर दिया। परचेज को अगर तुमने ज्यादा डेबिट कर दिया तो सीधा रेक्टिफिकेशन कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कितने रुपए से देख लो अमाउंट, देखो 1,00,000 रुपए। ये लो जी 1,00,000 रुपए से आप ये एंट्री कर दो। अब लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में करोगे तो सस्पेंस तो डेबिट होगा ही होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और आप क्रेडिट करो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको आप 1,00,000 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो। ठीक है चलो अब आगे चलते हैं और आगे इसमें नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड पे चलो, ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड पे चलो। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 20,000। गुड्स परचेज किए थे आपने एक्स से, तो एंट्री करो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये एंट्री होगी 20,000 से। परचेज टू एक्स वाज एंटर्ड एज सेल्स, अब बताओ इसे सेल्स की तरह से एंट्री कर दी, इसका मतलब एक्स को डेबिट करके सेल्स को तुमने क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपए से, ये गलत एंट्री हुई है। अब तो कर सकते हो रेक्टिफिकेशन या नहीं, कोई दिक्कत? चलो बताओ अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। सब परचेज को तो डेबिट करना चाहिए, तो कर दो, अब कर दो परचेज डेबिट, सेल्स गलती से क्रेडिट हो गई उसे भी डेबिट कर दो 20,000 रुपए से, दोनों को करो।
और सर एक्स को क्रेडिट करना चाहिए था 20 से, और डेबिट कर रखा है तो इसे 40 से अब क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर इसी एरर को नेक्स्ट ईयर में सही करना हो तो आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ये एंट्री हो गई 40,000 रुपये से। चलो अब आ जाओ जल्दी से पॉइंट नंबर फोर पे। पॉइंट नंबर फोर है रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर आनंद। कैश रिसीव हुआ आपको आनंद से, तो सर एंट्री कैश टू आनंद होनी चाहिए, कैश टू आनंद होनी चाहिए कितने रुपए से, 10,000 से। ये लो जी कैश टू आनंद, उसने क्या कर दिया, वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर भास्कर, तो कैश को डेबिट तो किया ही है उसने, कैश बुक में तो इसे ठीक रिकॉर्ड किया है, वहां से पोस्टिंग करते समय किस के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, भास्कर के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो भास्कर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये मिस्टेक हुई है, समझ में आ गई मिस्टेक, आ गई मिस्टेक समझ में, तो जल्दी से रेक्टिफिकेशन भी कर लो, मुझसे पहले कर लो, मैं तो अभी थोड़ा फॉर्मेट और ये लाइंस वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ, इतनी देर में तो आपको कर देनी चाहिए। क्या करी आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री जो भी करी है तो जरा चेक कर लो। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, अब इसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री, हाँ भास्कर के अकाउंट को तो आप डेबिट करो, भास्कर डेबिट 10,000 रुपये से, और किसका अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए, आनंद का, मिस्टर आनंद को क्रेडिट करो 10,000 रुपये से। मिस्टर आनंद कितने से, 10,000 रुपये से। तो अब आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री नेक्स्ट ईयर में भी सेम रहेगी, सेम एंट्री। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव। तो सर पॉइंट नंबर फाइव में रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम चंदू, हाँ चंदू से, चंदू सबका बंधु, 5,000 रुपये ये कैश मिला चंदू साहब से। वो कहते हैं वास पोस्टेड टू द डेबिट ऑफिस अकाउंट, अरे बताओ अकाउंटेंट साहब ने क्या कर दिया, कैश को तो डेबिट करना चाहिए था, ठीक ही किया अकाउंटेंट साहब, लेकिन तुमने चंदू को क्रेडिट करना चाहिए था, अब तुम चंदू को डेबिट करके बैठे हो, तो चंदू को अब आप डेबिट कर दो। ये लो ये गलत एंट्री करी है। अब आप खुद सोच के देखो क्या ट्रायल मैच कर जाएगा, नहीं करेगा ना, तो आप सस्पेंस अकाउंट को इसमें क्रेडिट कर दो 10,000 रुपये से। चंदू जी को गलत कर दिया इन्होंने डेबिट क्रेडिट में। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री जल्दी से सोचो क्या करें इसमें, कैश का कुछ नहीं करना, कैश बिल्कुल ठीक हुआ हुआ है, लेकिन हाँ ये चंदू का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए था, अब कर दो। चंदू को कितने से क्रेडिट करोगे, 10,000 से, 5,000 करना चाहिए था, 5 से तुमने डेबिट कर दिया गलत, और सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट करके खत्म करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000। ये आपके पास रेक्टिफिकेशन एंट्री आ गई, और आप जानते हैं नेक्स्ट ईयर में भी सेम एंट्री रहेगी। लो जी नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर फाइव के बाद पॉइंट नंबर सिक्स। पॉइंट नंबर सिक्स और देखो इसमें ₹5,000 ड्यू फ्रॉम ड्यू बाय मिस्टर रमेश। ड्यू बाय मिस्टर रमेश का मतलब रमेश ने देने थे, तो इसका मतलब रमेश हमारा डेटर हो गया, और वो कहता है वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। अब कुछ सोच के देखो, अगर आपने रमेश के अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि उससे पैसा लेना था, उसको आपने ट्रायल में नहीं दिखाया, डेबिट में इसका मतलब आपने नहीं दिखाया, तो इसका मतलब डेबिट में तो तुम्हारे यहाँ क्या अकाउंट ओपन हो गया होगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया होगा, है या नहीं? तो यहां पर आपके पास डेबिट में सस्पेंस ओपन हो गया, तो रमेश को आपको डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। मैं सीधे रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देता हूं, रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, रमेश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, 5,000 रुपये से आपने इसको डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया होगा,
तो अब आप रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस को क्रेडिट करो। सर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, आप सोचो ना क्या होगा, क्या इसमें कोई नॉमिनल नेचर का अकाउंट है? नहीं है ना, तो सेम एंट्री। तो इस केस के अंदर अब आप सेम एंट्री कर देंगे नेक्स्ट ईयर में भी। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब ये हो गया पॉइंट नंबर सेवन। पॉइंट नंबर सेवन में सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर राम फॉर 20,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अच्छा, राम को सेल की थी 20,000 रुपए की, तो इसकी करेक्ट एंट्री सोचो क्या होगी। सोचो सोचो सोचो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपए, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपए। अब इसने क्या किया, वो कह रहा है ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड का मतलब इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अगर आप इसे रिकॉर्ड करना भूल गए तो यहां आ जाएगी नो एंट्री। तो अब आपके पास रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी 20,000 रुपए से। ये लो जी 20,000 रुपए से। अब आप एक काम करो, अब नेक्स्ट ईयर की रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट, राम तो राम के नाम से डेबिट होगा, राम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री करो 20,000 रुपए से। अभी एक बच गई बस, लास्ट है, लास्ट एट्थ। अमाउंट ऑफ 23,000, अमाउंट ऑफ 23,950 ऑफ परचेज वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 25,930। तेईस हजार 950 रुपए की परचेज है, पहले करेक्ट एंट्री मुझे बताओ क्या होगी। यस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 23,950, करेक्ट वाला काम कंप्लीट। सर कैश बुक की ट्रांजैक्शन है, फिर यहां से पोस्ट करना चाहिए परचेज अकाउंट में। अब आगे पढ़ते हैं, वाज रॉन्गली पोस्टेड। अब एक बात खुद सोच के देखो, रॉन्गली पोस्टेड वर्ड है तो इसका मतलब रिकॉर्ड तो ठीक किया होगा, कैशबुक में तो ठीक लिखा, तो कैशबुक में अगर ठीक लिखा तो कैश को तो इन्होंने ठीक क्रेडिट किया 23,950 से। लेकिन अब जरा आगे पढ़ते हैं, इन्होंने पोस्ट क्या कर दिया, वाज रॉन्गली पोस्टेड, वाज रॉन्गली पोस्टेड, पोस्ट तो इसका मतलब परचेज अकाउंट में ही किया है, ऐसी कोई गलती नहीं की कि कोई दूसरे अकाउंट को ले आए हो, लिखा इन्होंने परचेज में ही है। लेकिन अमाउंट तो देखो जरा 25,930। अब बताइए ऐसा काम करने से क्या ट्रायल मैच कर जाएगा, नहीं करेगा ना। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो, इतना सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा तो टू टू सस्पेंस अकाउंट, ये आ गया मेरे पास 1980। ये लो जी 1980। अब बस, अब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो। नेक्स्ट ईयर की रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, अब सोचो जरा, लगाओ जरा दिमाग कि नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी क्या होगी। तो अब आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस को तो डेबिट करना है, सस्पेंस डेबिट 1980 रुपए से। और सर क्रेडिट किसे करें, तुमने परचेज को कुछ ज्यादा डेबिट कर रखा है तो परचेज को अब आप क्रेडिट कर दो 1980 से। और सर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में सुनो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1980 रुपए, 1980 रुपए। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब आप एक काम करो, जहां जहां पीएनएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना है, वो दोनों बैलेंस आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में। जैसे मैं कहता हूं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 27,000 रुपए से, मैं भी काउंट कर रहा हूं, आप भी काउंट करो, पीएनएल एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 27,000 रुपए से हमारे पास क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट क्रेडिट जोड़ते जाओ, डेबिट माइनस करो, अपने आप बैलेंस आएगा, बस उसको आप ट्रांसफर कर दो। तो देखो 27,000
आप भी साथ साथ कर रहे हैं, फिर 1 लाख रुपए प्लस, फिर 40,000 डेबिट हो रहा है, माइनस करो क्योंकि क्रेडिट क्रेडिट जोड़ रहे हो ना, फिर 20,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है तो प्लस करो, फिर 1980 रुपये, तो मेरा आ रहा है 1,08,980, आपका भी आ गया। तो इसका मतलब अब आप ये जो एंट्री करोगे इसमें एंट्री एक और पास करो, पीएनएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट है तो उसको डेबिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मेरा आ रहा है 1,08,980, तो यही आपका भी आना चाहिए 1,08,980। अभी खत्म नहीं हुआ, एक पॉइंट और रह गया बस लास्ट। आप इन्हीं एंट्री से जो नेक्स्ट ईयर की एंट्री है इनमें सस्पेंस अकाउंट जहां जहां डेबिट क्रेडिट हुआ जरा उसे भी जल्दी से काउंट कर लो, करो करो। कर रहे हो ना आप भी? मैं भी काउंट कर रहा हूं। अब मेरा आ रहा है सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, आपका भी आ रहा है, तो आप क्या करो इसको कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, मेरा आ रहा है 1,06,980। क्या आपका भी यही आ रहा है? 1,06,980। लो जी बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। देखा हमने, हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। अब चलते हैं बेटा, हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस में चल रहे थे और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के अंदर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब चलते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब थ्योरेटिकल बातें की गई इसके अंदर। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का है वो हमें करना है, ठीक है? तो इसके अंदर भी हम पास्ट एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे कि भाई हमारे पास क्या-क्या चीजें होती हैं इसमें। तो सबसे पहले आप ये देखें, इसमें सब बच्चे इधर देख लें, ये देखो नवंबर 2020 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टेड अकाउंटेंट प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी। अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट की बात करूं कि चार्टेड अकाउंटेंट भाई क्या हमारे समाज में, क्या वो सोसाइटी को क्या क्या सर्विसेज रेंडर करता है, तो बेटा सोसाइटी को जो ये रेंडर करते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का काम करते हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा इंटरनल ऑडिट जो होती है उसको इंटरनल ऑडिट का काम करते हैं, इसके अलावा टैक्सेशन मैटर्स सारे संभालते हैं, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज। कंसल्टेंसी मतलब कंसल्ट करने का काम, लोग आते हैं और अपनी कई तरह की जो कंसल्टेंसी है वो वहां पर बैठ के करते हैं, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड बहुत तरह के कंसल्टेंट होते हैं, मतलब कंसल्टेंसी होती है उनकी, कोई टैक्सेशन मैटर से रिलेटेड तो वो सारे मैटर्स डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस कहाँ पैसा लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, ये सब काम करते हैं। और इसके अलावा अदर सर्विसेज लाइक सेक्रेटरियल वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, हाँ रिसीवरशिप,
और आर्बिट्रेशंस, ये कुछ ऐसे वर्क है जो एक चार्टेड अकाउंटेंट के सोसाइटी के अंदर ये काम वो करते ही हैं। एक बार पढ़ते हैं जरा हम, कि ये भी ये बेटा एग्जाम में देखो नवंबर 2020 में 4 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन ये। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो, द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी हैज क्रॉस इट्स यूजुअल डोमेन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो बात आपको सबको पता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सच स्टेटमेंट एंड ऑडिट देयर ऑफ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रेजेंटली टेकिंग एक्टिव रोल इन कंपनी लॉज एंड अदर कॉरपोरेट लेजिस्लेशन मैटर्स, इन टैक्सेशन लॉज मैटर्स, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, एंड इन जनरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम। अब क्या वो सम ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट टू द सोसाइटी आर ब्रीफली मेंशन। देखो क्या क्या है, मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट, स्ट्रेटेजरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइस एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, और अदर सर्विसेज लाइक सेक्रेटरियल वर्क, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, कंपनी फॉर्मेशन, रिसीवरशिप, आर्बिट्रेशन एटसेट्रा, जैसा अभी मैंने आपको बताया। और देखो, और सर हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये देखो, आपके पास क्वेश्चन आया है गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसके बीच में डिस्टिंग्विश, मतलब इनको आप डिस्टिंग्विश करके अलग अलग बताइए। तो आपके पास गोइंग कंसर्न की बात की जा रही है, गोइंग कंसर्न समझते हैं आप? कितने बच्चे समझते हैं गोइंग कंसर्न? कि सर हमें तो पता है भाई गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। तो गोइंग कंसर्न मतलब कि कोई भी एंटरप्राइज, इसका मतलब पहले आप समझे, कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी पर्सन जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये समझ के करता है कि इस बिजनेस को हम लंबे समय तक रन करेंगे, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा और आने वाले नियर फ्यूचर में हमें इस बिजनेस को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना अपनी एक्टिविटी को कम करने की आवश्यकता है। ऐसा मानते हैं किस चीज के अंदर? गोइंग कंसर्न में। तो गोइंग कंसर्न जो है वो हमारा किस चीज पे बेस्ड है, इसको आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो नोन कॉन्टिन्यूटी अजम्पशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न दैट इज कॉन्टिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब एक लंबे समय तक, जहां दूर तक आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहां तक आप, जहां तक देख सकते हैं हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। और इट इज एज्यूम्ड दैट एंटरप्राइज हैज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और ऑफ कर्टेलिंग, कर्टेलिंग मतलब कम करना, मैटेरियलिटी द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, मतलब आने वाले समय के अंदर, नियर फ्यूचर के अंदर, ना तो हमें अपने बिजनेस को बंद करने की जरूरत है और ना ही उसमें एक्टिविटी को कम करने की जरूरत है। अच्छा, इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है? इसकी सबसे मेन चीज है बेटा इम्प्लीकेशन, मतलब ये कि अब ये जो हमारा गोइंग कंसर्न है इसकी वजह से, इट इज बिकॉज एज करंट एसेट्स, सुनो बेटा, इसकी वजह से हमारी करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, इट इज बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आप क्या करते हो, क्लासिफाइड करते हो कि ये मेरी करंट एसेट्स है, ये मेरी फिक्स्ड एसेट्स है। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स नॉर्मली 12 महीने के अंदर अंदर आप कहते हो कि हमारे को बेनिफिट्स मिल जाएंगे, फिक्स एसेट्स के बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के अंदर तुमने माना ना कि बिजनेस भी चलेगा, तभी तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी एसेट्स के बेनिफिट मिलेंगे। इसी तरह से आप लायबिलिटीज को भी क्लासिफाइड कर पाते हो, द लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये भी बात समझो गोइंग कंसर्न के बारे में, ये आप सबको पता होना चाहिए। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इश्यूड बाय द आईसीएआई इंस्टीट्यूट ने जो AS1 दिया है, इफ दिस फंडामेंटल, ये जो है हमारी फंडामेंटल अजम्पशन है, इफ फंडामेंटल अजम्पशन इज फॉलोड दिस फैक्ट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड।
क्या मतलब सर? नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अगर आप इस गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एवरी ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय नीचे इसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि हम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहे हैं, सिंस इट्स अजम्प्ट इट्स एक्सेप्टेंस सॉरी इट्स एक्सेप्टेंस एंड यूज आर एज्यूम्ड एंड यूज आर एज्यूम्ड, मतलब ये माना जाता है और ये एक्सेप्टेबल है, सब जगह एक्सेप्टेबल है कि हाँ गोइंग कंसर्न को फॉलो करते हुए ही अकाउंट्स बनाए गए होंगे। इन केस दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड, हाँ अब ये बात समझने की है कि अगर आप इस अजम्पशन को फॉलो नहीं करते तो सर फिर क्या करें? तो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टुगेदर विद रीजंस, टुगेदर विद रीजंस। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट कौन सा है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हाँ सर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? कॉस्ट के अंदर दिस कॉन्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब आप इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एसेट्स इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एट अ प्राइस टू एक्वायर इट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन एंड द कॉस्ट बिकम्स द बेसिस फॉर द अकाउंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्विजिशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड। कहने का मतलब ये कि जब आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो इसका मतलब आप एसेट्स को उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हो जिस प्राइस पर आपने उस एसेट्स को एक्वायर किया, ठीक है, और एक्वायर करने के बाद फिर उसके बाद आने वाले टाइम पीरियड के अंदर भी आप उसी को सब्सिक्वेंट बेस बनाते हुए चलते हो। फिर आप आगे चल के जब एसेट खरीद लेते हैं तो उसके बाद डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी किसके ऊपर चार्ज करोगे? जिस कॉस्ट पे आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है उसी कॉस्ट के ऊपर आप आगे चल के डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करते हो। तो देखो जरा यहाँ पर सबसे पहले गोइंग कंसर्न द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर एंड इट इज अज्यूम्ड दैट द एंटरप्राइज हैज नाइदर the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operation. If such an intention or need exists, the financial statement may have to be prepared on a different basis and if so the basis used is disclosed. इसका मतलब तभी तो डिस्क्लोज करोगे जब फॉलो नहीं कर रहे। The cost concept by this concept the value of an asset is to be determined on the basis of the historical cost. In other words acquisition cost although there are various measurement bases accountants traditionally prefer this concept in this interest of objectivity it is highly object and free from all bias। मतलब ये कि आप यहाँ पर जो एसेट एक्वायर करते हैं उसको कॉस्ट के ऊपर लेके चलते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं। अदरवाइज क्या लिखा है ना, इट्स प्रेफर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जिस कॉस्ट पर आपने एक्वायर किया उस कॉस्ट के ऊपर आप इसको रिकॉर्ड करते हुए चलोगे। और अगर तुम मार्केट प्राइस लेकर के चलो तो मार्केट प्राइस के अंदर तो एक पर्सन कह रहा है मार्केट प्राइस किसी एसेट का 2 लाख है, कोई कह रहा है 4 लाख है, तो उस केस के अंदर अकाउंटेंट के पर्सनल बायस आ जाते हैं। तो इसलिए मार्केट वैल्यू के ऊपर हम नहीं लेकर के चलते, इसे कॉस्ट के ऊपर ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलो और आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो स्टेट विद रीजन। आप रीजन के साथ बताइए वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अ कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू, बहुत ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ पढ़ो इसको और बताओ इस केस के अंदर हमें क्या रीजन होना चाहिए इसमें। देखो उसने दे रखा है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अ कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस फ्रॉम दिसंबर 2020 एंड डिसाइड्स टू डिस्पोज ऑफ ऑल इट्स प्लांट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। The balance sheet on 31 December 2020 should continue to indicate the plants at its historical cost as the assets will be disposed of after the balance sheet date. अब बताइए यहाँ पर तो आपका जो going concern है वो effect कर गया। Going concern अगर आपका effect कर गया
तो उस केस के अंदर आपको एसेट्स को किस वैल्यू पे शो करना होता है, रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर शो करना होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो नहीं करना होता, और यहां तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जरा इसका आंसर। फॉल्स इफ अ कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकॉन्टिन्यू इट्स बिजनेस देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे नहीं बनेगा, डिफरेंट बेस पे बनेगा, क्योंकि रीजन अब उसका गोइंग कंसर्न इज लॉस्ट, मतलब गोइंग कंसर्न जो है वो उसका डिस्टर्ब हो गया, गोइंग कंसर्न बैड हो गया, गोइंग कंसर्न लॉस्ट। तो एसेट शुड बी शोन एट अ रियलाइजेबल वैल्यू, जैसा भी मैंने बताया कि एसेट्स को फिर इस केस के अंदर आप किस वैल्यू पे शो करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू, नॉट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर आप इसको शो नहीं करेंगे। बात समझ में आई सबको? हाँ जी बेटा। तो ये भी आपका प्रॉब्लम नंबर टू हमारा यहां पे कंप्लीट। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बेटा? हाँ, पास्ट एग्जाम्स के थ्योरी के सभी क्वेश्चंस हमारे जितने भी चैप्टर नंबर वन से आए हैं, सारे थ्योरी के क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और जो बाकी के बच गए हैं इसको सेम हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।